अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबको। उम्मीद है आप सब कहना चाहेंगे। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं ना ये लेक्चर जो होते हैं ना, सर जो पढ़ाते हैं, सरों से मेरा एक मैसेज ये है कि यार आप जो पढ़ाते हो पढ़ा लिया समझो, अब उसके बाद उसको सुनो तो सही। पढ़ा जो लिया उसके बाद उसको सुनो तो सही। अब फर्ज करो मैं टीचर हूँ, मैंने कोई भी टॉपिक मतलब कोई भी पढ़ाया, मैंने तो पढ़ा दिया, अब बच्चों को समझ आई है या नहीं ये कैसे पता चलेगा। अब उनको पढ़ाने का क्या फ़ायदा जब उनको कुछ समझ भी नहीं आएगी। मेरा सिर्फ एक बात ये है कि मेरी सिर्फ हो सकता है मैं गलत सोच हो, मेरी सोच ये है कि आपने अगर पढ़ा दिया ना तो उसको खड़ा करके पूछो यार, समझाया जो है ना मैंने आपको उसको बताओ क्या है। एक दिन उनको समझ, एक दिन वो नहीं बता सकेंगे, दो दिन नहीं बताएंगे, लेकिन जब वो तीसरे दिन आएंगे ना बैठे हुए होंगे तो वो आपका लेक्चर गौर से सुनेंगे एक तो, दूसरा ये कि उनकी प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ेगी। हमारे टीचर थे प्रोफेसर शफीउल्ला, वो मुझे आज तक नहीं भूलते, क्योंकि वो जब पढ़ाते थे ना तो उसी वक्त मतलब सुनते थे, जितनी स्पीड में वो पढ़ाते थे और वो उतनी स्पीड में सुनते भी थे। वो कहते थे कि मैंने पढ़ा दिया ना अब सुनाओ, किसी को नहीं आया था। शुरू शुरू में तो मुझे समझ भी नहीं आती थी कि मैं फिर कहता था कि छोड़ दूँ ऐसी ट्यूशन ही छोड़ दूँ, लेकिन फिर वक्त के साथ मुझे वो आज समझ आती है कि वो क्यों इस तरह करते थे हमारे साथ। और मैं कहता हूँ काश मैं आप इस वक्त उनके पास पढ़ता, और वो जब पढ़ाते थे तो उसी वक्त सुनते थे। शुरू शुरू में तो मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन मैं भी कोई दो तीन हफ्ते गुजरने के बाद ना, दो तीन हफ्ते तो मैंने थपड़े खाए थे मुँह पे, इधर थपड़े खाए थे ऐसे पटा, लेकिन दो तीन हफ्ते बाद फिर वो जो पढ़ाते थे वो मैं उनको दोबारा सुना सकता था। मतलब ये कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन ऐसा दिन भी आया था कि वो जब उन्होंने पढ़ाया था ना तो मैं उनको एक्सप्लेन किया था मैंने कि मतलब आपने ये पढ़ाया, और वो बायो थी, केमिस्ट्री थी, मतलब इस तरह कि अगर आजकल के टीचर्स होना हैं, टीचर्स तो हैं, लेकिन इस तरह के टीचर होना तो वो बच्चे जल्दी ही कामयाब होते हैं। मतलब कि एक बच्चा है जिसे कुछ समझ नहीं आती, लेकिन अगर उसमें प्रेजेंटेशन स्किल है ना, तो कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, मतलब बात करने का तरीका आता है, तो वो बच्चा कहीं मार नहीं खाता। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी में 4GPA लिया जिसने, 4GPA 3.9 3.8 मतलब ये आना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने लिया है, लेकिन उसकी जॉब नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वो एक रट्टा लगाने वाला स्टूडेंट है और उसको कुछ समझ पूरी है, लेकिन उसने कभी ये सोचा ही नहीं है कि मैं डिग्री तो ले लूँगा लेकिन इसके बाद करूँगा क्या, मेरे पास कोई स्किल ही नहीं होगी। तो एक उसके मुकाबले में एक बच्चा है जिसने कोई लिए थे 3.1 3.2, और उनकी जॉब इकट्ठे जॉब देने के लिए बैठे हुए थे, इंटरव्यू भी उनका इकट्ठे हुआ था, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। तो वो जो 3.2 वाला था ना, उसका कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन स्किल्स और इस तरह की थी ना कि वो जो 4GPA लेके बैठा हुआ था ना, वो अपने फ़ख्र कर रहा था कि मेरी ही 4GPA है यहाँ पर, जो जितने इंटरव्यू देने वाले आए बैठे हैं। तो एग्जैक्टली सारी सी बात है कि मेरे ही जॉब होगी, लेकिन उसको उस वक्त रिजेक्ट कर दिया था। तो इसलिए इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरी तमाम टीचर्स से गुजारिश है कि अगर आप जो चीज़ पढ़ाते हैं तो उसके बाद उसको सुने कि जी बताओ बच्चे कि जो मैंने आप पढ़ाया इसमें क्या आपको समझ आई है, अगर आपको समझ नहीं तो मैं दोबारा समझाता हूँ।